गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने प्रैक्टिकल बेस्ड आपको चैप्टर बताया था, एक टॉपिक बताया था सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। उसको बताने के लिए मैंने कुछ सिंबल्स का यूज़ किया था, बल्ब कैसा होता है, वन वे स्विच कैसे होते हैं, फ्यूज इंडिकेटर कैसा होता है। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या होगा, स्टेयर केस वायरिंग। ठीक है, स्टेयर केस वायरिंग डायग्राम जो है ये मैंने दो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, दोनों जो है स्टेयर केस का ही है। मैं दोनों को आपको जो है क्लियर करके बताऊंगी कि कैसा है, किस तरह ये काम कर रहा है। अच्छा, स्टेयर केस वायरिंग होता क्या है, जिसको हम लोग सीढ़ी वायरिंग बोलते हैं ना, फ़ायदा ये होता है कि आप एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका घर जो है दो तल्ला है, दो महला है, तो आप क्या करोगे, एक बल्ब जो है बीच में सेंटर पर लगाओगे, जैसे ही आप एंटर करोगे फर्स्ट घर पर तो वो लाइट जल सकता है, और ऊपर से चाहो तो आप बुझा भी सकते हो लाइट को। तो ये क्या है, फ़ायदा है हमारा स्टेयर केस वायरिंग के लिए। तो स्टेयर केस वायरिंग में हमको चाहिए क्या, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है एक बल्ब चाहिए मुझे और दो टू वे स्विच चाहिए। क्या चाहिए, एक बल्ब और दो टू वे स्विच। दोनों टू वे स्विच के साथ मेरा सप्लाई जो होता है वो एन न्यूट्रल और आपका फेस। तो न्यूट्रल मैंने ब्लैक कलर का दिखाया, क्योंकि मैंने पहले कलर में भी आपको दिखाया था कि फेस का कलर रेड, येलो या ब्लू हो सकता है, और न्यूट्रल का कलर ब्लैक, और अर्थिंग का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो मैंने फेस दिखाया यहाँ रेड से। अब किस तरह ये ड्रॉ हुआ है, किस तरह ये काम कर रहा है सर्किट, वो जानना इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन जानना। कोई भी प्रैक्टिकल जो है, कोई भी प्रैक्टिकल बेस्ड डायग्राम का जो है कंडीशन जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, किस तरह वो काम करेगा। तो आप सिंपल यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ से मैंने फेस दिया बीच में। ये जब भी टू वे का यूज़ करते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, ज़्यादातर क्या अधिकतर होता ही है कि बीच में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। कहाँ देते हैं, बीच में सप्लाई देते हैं। तो बीच में सप्लाई दिया यहाँ पे, सप्लाई देने के बाद क्या हो गया, यहाँ तक मैंने यहीं तक डाल के रख दिया इसे सप्लाई के साथ। ये बल्ब है मेरा, इसको जलने के लिए मैंने बताया था कि फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है। तो फेज़ न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ से न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, मानती हूँ अभी तक ये वाला फेज़ जीरो रेड वाला पोर्शन अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या कर दिया, इन दोनों जो है, इन दोनों टू वे को मैंने एक साथ जो है शॉर्ट कर दिया। इसका ये वाला टर्मिनल इसके साथ, ये इसका टर्मिनल इसके साथ। अगर ये वाला इसके साथ सटेगा तो क्या होगा, ये वाला स्विच ऑन होगा। टू वे में क्या होता है, आप ऊपर भी ऑन कर सकते हो, नीचे से भी उसको, मतलब ऊपर से ऑपरेट, नीचे से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, ये वाला पोर्शन उसका। किसी भी टू वे में ना तीन पोर्शन आपको मिलेंगे, तीन पॉइंट मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मैंने इसलिए दिखाया था कि आपको क्लियरली समझ में आए कि आखिर काम कैसे कर रहा है। तो इसके साथ शॉर्ट किया मैंने, तो ये वाला अगर मान लीजिए, ये वाला इसके साथ मैं जोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देख लो, इसको मैंने जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया। तो क्या हो गया, यहाँ से फेस सप्लाई आया, यहाँ से आने के बाद यहाँ गया, यहाँ से जोड़ दिया मैंने, तो इससे होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अब ये स्विच अगर इधर से भी ऐसे इस तरह का जुड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ से पहुँच के सीधे यहाँ चला जाएगा। मतलब ये फेज क्या हो गया, यहाँ से फेज होता हुआ यहाँ पहुँच गया फेज, मतलब इस बल्ब में, और इधर से हमको क्या मिल गया, इधर से न्यूट्रल मिल गया। क्या मिल गया, न्यूट्रल। तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, यस जल जाएगा इस बार बल्ब, क्लियर है। तो पहला तो ये तरीका हुआ। अच्छा, आप देखो कंडीशन में, जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा था, आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ कनेक्ट करती हूँ तो ये वाला फेज़ यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ चला जाएगा। अब स्विच तो ऊपर ऑन है, तो क्या फेज़ जो है, ये वाला फेज़ इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो कंडीशन इसमें ये कंडीशन बनता है कि जब भी दोनों जो है इस कंडीशन में, जब भी जो है टू वे दोनों का ऊपर स्विच होगा, दोनों स्विच ऑन होंगे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, सप्लाई जाएगा और ये अपना सर्किट पूरा करके ये बल्ब को चला देगा, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड वाले डायग्राम में। तो सेकंड वाले डायग्राम में मैंने कुछ नहीं किया, आप देखो सारा इक्विपमेंट वही है। अब मैंने किया क्या है, तो ये वाला सीधा शॉर्ट ना करके मैंने क्या किया, इसका वाला ये टर्मिनल इसके साथ शॉर्ट किया, इसका वाला ये शॉर्ट किया। अब क्या होगा, इसमें क्या फ़ायदा है या फिर नुकसान है, तो कुछ नुकसान या कुछ फ़ायदा नहीं, बस कंडीशन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था कि दोनों स्विच जो है ऊपर की तरफ ऑन थे, तब ये मेरा बल्ब जल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से फेज़ गया, यहाँ तक तो फेज़ ठीक आया है। फेज़ आने के बाद अगर मैं इसको ऑन करती हूँ, इधर वाले पोर्शन को ऑन करती हूँ, तो ये इधर से होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अब लेकिन यहाँ तो जुड़ा हुआ है नहीं, स्विच कहीं से ऑन किया हुआ है नहीं, तो उस टाइम में क्या होगा, ये फेज इधर से नहीं जा पाएगा। तो इस टाइम ये वाला होने के बाद यहाँ से फेज जाते हुए इसको मैं जोड़ दूंगी अगर यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इधर से होते हुए फेज निकल जाएगा मेरा, और लाइट मेरा नेटवर्क की सहायता से ये जलने लगेगा। अब दूसरा वाला देखिए यहाँ पे, आप ये वाला जैसे इसको क्या किए थे, ऑन किए थे, अब इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन किए, तो इसको ऑन करने के बाद ये वाला सप्लाई मेरा फेज़ यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे नीचे ऑन होने की वजह से यहाँ नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस बार ये जो है स्विच जो है ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ जैसे ही पुश करेंगे तो ये क्या होगा, इसके फेज़ के संपर्क में आएगा, और इस यहाँ से फेज़ होता हुआ क्या होगा, यहाँ फेज़ पहुँच गया इस बल्ब में, और इधर से न्यूट्रल इस बल्ब के लिए आ रहा था, तो ये क्या बन गया, ये उस टाइम के लिए जो है
अप्लाई बन गया, मतलब कि ये बल्ब मेरा यहाँ पे जल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि स्टेयर केस वायरिंग होता क्या है, किस तरह यूज़ होता है। आप कभी भी देखोगे तो डायग्राम बच्चे ऐसा बनाते हैं, तो कोई बात नहीं कि डायग्राम ऐसा हो या ऐसा हो, मतलब है सिर्फ हमको सप्लाई पहुँचाने से। अगर क्लियरली सप्लाई पहुँच रहा है तो मेरा बल्ब जलेगा, और बल्ब जलने के लिए क्लियर मैंने किया था कि एक फेज़ और न्यूट्रल होना ज़रूरी है। न्यूट्रल और फेज़ नहीं होगा तो बल्ब मेरा नहीं जलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।